सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सुबह से जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मेलिशियस है और मैं कहूँ यहाँ तक मोटिवेटेड है। फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया है। ये सरासर गलत है और मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के पहले अपनी बात स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद इसके राजनीतिक पहलू पे विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूज आर्टिकल्स एंड रिपोर्टर्स स्टेटिंग that I being named as an accused in a complaint filed by the enforcement directorate are factually wrong, incorrect, motivated and appear to be a propaganda to harm my reputation and my credibility by misleading and using the media. I wish to clarify that I have not been named as an accused or as a suspect or even as a witness in any of the complaints filed by the enforcement directorate in the ongoing investigation. I challenge the media houses who have carried this false propaganda to show any shred of evidence against me in any investigation carried out by any of these agencies that are controlled by the BJP. The least the media could have done is been inconsistent with the journalistic norms that they could have taken my version before making these false claims and publishing these false reportage. The reputation and the credibility of a person is very precious and is built over time. I appeal to the media and all my friends sitting in this chamber to clarify the stated position, lest I will be constrained to take legal action as has been advised by my lawyers. मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं। जो सुबह से खबरें दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत और झूठी और बेबुनियाद हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों द्वारा, न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है।